कहते हैं डरने से केवल दिलो दिमाग में नेगेटिविटी भरती है और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है, वो डाउन जाता है। और कोरोना काल में हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। नमस्ते भारत, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ, सभी का अभिवादन करती हूँ। और आज मैं कुछ कुछ कोरोना की बात करती हूँ और इस कोरोना को एक कहानी के साथ जोड़ के आपको मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप डरेंगे नहीं, सावधानी बरतेंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले एक मैं ये कहानी शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरीश जोशी मेरे सहयोगी रह चुके हैं हिंदुस्तान में। बड़े प्यारे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हर दिन मुझे एक स्टोरी भेजते हैं जो फुल ऑफ मोटिवेटेड होती है, मोटिवेशन से भरपूर कहानियाँ जो हैं हमको सुबह सुबह एक नई सी ताजगी दे देती हैं। और आज जो कहानी जोशी ने मुझे भेजी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसकी रेलेवेंसी इसलिए बनती है क्योंकि कोरोना काल में हर व्यक्ति डरा हुआ है और हमारे दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें हैं जो बड़ी डरावनी हैं। हमने खुद ही उनको अपने दिमाग में लोड कर लिया है और हमारे कानों को भी स्केरी स्टोरी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? हम डरते रहते हैं और डर खासतौर पर इस समय हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर आप स्केरी स्टोरीज़ कोरोना से जुड़ी हुई सुन रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी सेहत के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं, अपनी सेहत के साथ आप दुश्मनी निभा रहे हैं। एक और बात, हमारे प्रधानमंत्री ने कल ही ये वाली बात कही कि आप डरिए नहीं, सावधानी बरतिए। और एम्स के एक जाने माने डॉक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी कहा कि आप डरिए नहीं, सावधानी बरतिए। दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ जो मुझे जोशी ने भेजी। जोशी को मैंने अभी बताया कि जोशी मेरे सहयोगी रह चुके हैं। एक नर्स लंदन में ऑपरेशन से केवल 2 घंटे पहले मरीज के कमरे में आती है और वहाँ पे वो रखे हुए फूलों को चेंज करती है, पूरा कमरा व्यवस्थित करती है और ये सब झाड़ पोछ करने के दौरान वो मरीज से पूछती है अचानक से, सर आपका ऑपरेशन कौन सा डॉक्टर कर रहा है? मरीज ने नर्स को देखा भी नहीं और उसके सवाल का बिना देखे उसको जवाब दे दिया, डॉक्टर जेप्सन। नर्स ने जब डॉक्टर का नाम सुना तो उसने काफ़ी हैरानी से अपना काम छोड़ते हुए मरीज से पूछा, वो मरीज के पास जाती है और उसे पूछती है कि सर क्या आप डॉक्टर जसवंत ने वास्तव में आपको आपकी सर्जरी करने के लिए ओके कर दिया है? क्या वो सचमुच आपका ऑपरेशन कर रहे हैं? मरीज ने कहा हाँ मेरा ऑपरेशन वही कर रहे हैं। नर्स ने कहा बड़ी अजीब बात है, विश्वास नहीं हो रहा मुझे। परेशान होते हुए मरीज ने कहा कि इसमें हैरानी की क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हैं? नर्स ने कहा वास्तव में इस डॉक्टर का आज तक उन्होंने हजारों ऑपरेशन किए हैं और उनका सक्सेस रेट जो है वो 100% है और उनके पास समय नहीं होता, उनके पास वक्त की कमी रहती है और इसीलिए मैं पूछ रही थी कि क्या उन्होंने आपका ऑपरेशन करने के लिए ओके कर दिया है। वो बाद में ये भी जोड़ती है कि मैं हैरान हूँ कि आपका ऑपरेशन एक ऐसा डॉक्टर करने जा रहा है जिसका सक्सेस रेट 100% है। मरीज ने नर्स से कहा ये मेरी अच्छी किस्मत है। और डॉक्टर जेप्सन को जब फुर्सत मिली तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन करने के लिए हामी भर दी। नर्स ने एक बार कहा यकीन मानिए मैं भी हैरत में हूँ, अभी भी मैं बहुत हैरान हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है। इस बातचीत के बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में पहुँचा दिया जाता है और मरीज का ऑपरेशन बिल्कुल सफल होता है और वो हंस करके अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। मरीज के कमरे में जो बातचीत कर रही थी महिला वो कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वो उसी हॉस्पिटल की मनोवैज्ञानिक महिला डॉक्टर थी जिसका काम मरीजों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से संचालित करना होता था, उनको बूस्टअप करना होता था जिसके कारण वो सेटिस्फाइड रहें जिस समय उनका ऑपरेशन या सर्जरी चल रही हो। वो उसने केवल गुलदस्ता ही नहीं बदला बल्कि उसका माइंडसेट भी उसने चेंज कर दिया। उसने उसको ये बात इसलिए बताई थी कि उसका ऑपरेशन वो डॉक्टर करने जा रहा है जिसका सक्सेस रेट 100% है। अब जाहिर सी बात है जब कोई
साधारण सी नर्स किसी डॉक्टर के बारे में ये बात कहेगी तो जो मरीज जिसका ऑपरेशन होने वाला है वो उसका माइंडसेट एकदम से बूस्टअप हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आज हम जो इस कहानी की बात कर रहे हैं, मैं जो इस कहानी को आपसे शेयर कर रही हूँ, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम करोना काल में अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखें। करोना में पॉजिटिव होने से बेटर है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। देखिए, करोना से निपटने के लिए सरकार को जो करना है वो कर रही है, लेकिन हम हमारे जैसे कई लोग अफवाहों पे यकीन कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अफवाहों पे यकीन ना करें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि करोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि रणदीप गुलेरिया जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप इस बीमारी से डरिए नहीं, लेकिन आप सावधानी ज़रूर बरतिए। एक चीज़ और है, बाहर निकल के देखिए, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और बात क्या करते हैं, अरे ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, अरे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर जो हैं वो मरीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे, अरे आप जैसे लोग जो बिना मास्क के बाज़ारों में घूम रहे हैं वही तो सारी जगह हॉस्पिटल्स में घेरे हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, व्यवस्था पे उंगली उठाने से पहले हमें एक अच्छे नागरिक का फ़र्ज भी याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जो नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में रखी हुई हैं प्लीज़ उन्हें डिलीट कर दीजिए, प्लीज़ उन्हें कभी भी अपने माइंड में अपलोड ना होने दीजिए। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, खुश रहिए। और एक और सलाह देना चाहूँगी कि आप बिना काम के अपने घर से बाहर ना निकले, जिनको काम पे जाना है वो ज़रूर जाए लेकिन अपनी पूरी सुरक्षा के साथ। और एक बार फिर, कोई भी चीज़ नेगेटिव अपने साथ ना लेकर के आए, अपने दिमाग में ना रखें। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें इस समय फ्लोट कर रही हैं सोशल साइट पे, उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। जो अच्छी बातें हैं उनको ही अडॉप्ट कीजिए, उनको ही अपने दिमाग में आने दीजिए। उसमें ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट जो है वो मुझे नई एनर्जी देते हैं। और आप हमेशा मेरे चैनल को देखते रहिए, बिना मतलब के बाहर मत जाइए, MB स्पीक्स के साथ बने रहिए। और जब आपको काम हो तभी आप सावधानी के साथ घर से बाहर निकलें। जय हिंद, जय भारत।